स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ग्राम पंचायत अमरपुर के पंचायत भवन में लकेश चंदेल हिमाचल गौरव राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता सेनानी वीर सोहन सिंह चंदेल के पौत्र ने निशुल्क फलदार पौधे बांटकर देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों देश के शहीदों को याद किया। पंचायत भवन अमरपुर में स्वतंत्रता दिवस का शुभारंभ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ध्वजारोहण करके किया गया तथा इस खुशी के मौके पर मिष्ठान भी बांटा गया। इस अवसर पर लकेश चंदेल ने पर्यावरण संरक्षण की महत्वता को बताते हुए कहा कि जैसा शुद्ध व साफ वातावरण हमें हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 में दिया था, वैसा ही शुद्ध और साफ वातावरण हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्रता दिलवाई थी। अब आने वाले पीढ़ियों का यह कर्तव्य है कि वह देश को एक सही दिशा प्रदान करें, ताकि हमारा देश जल्द ही एक विकसित देश के रूप में उभरकर विश्व मानचित्र पर सामने आए। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतवासी देश के स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय आर्मी, अर्धसैनिक बलों, शहीद वीरों के पूरी उम्र भर कर्जदार रहेंगे। इस उपलक्ष्य पर लीची, पपीता, आम्रपाली आम, कटहल, नींबू, संतरा इत्यादि फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। नमस्कार, समस्त देशवासियों को पर्यावरण वन महोत्सव महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लकेश चंदेल आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि इस पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना अहम योगदान दें, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ व शुद्ध वातावरण प्रदान कर सके। साथ में जंगलों को आग से नष्ट होने से बचाएं, ताकि हम हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण हरित राज्य के रूप में विकसित कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।